सरकारी नौकरी की तैयारी घर बैठे करने के लिए एग्जाम टिप्स बाय रवि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारे लेक्चर्स के अपडेट्स मिल सकें और आप उन्हें सेल वाइज देख सकें। हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टिप्स बाय रवि। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम टॉप 40 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भीम बेट का किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आपका आंसर है, भीम बेट का गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। और ये जो भीम बेट का स्थान है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और ये जो स्थान है वो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों से संबंधित है। तो भीम बेट का किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भीम बेट का गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और सम्राट अशोक के जो शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के जो अभिलेख है वो इसी लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्ठी लिपि में। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज की कृषि हुई? तो प्राचीन काल में सर्वप्रथम मानव द्वारा जौ की कृषि हुई थी। सबसे पहले मानव ने जौ उगाया था और लगभग 8000 ईसा पूर्व में मानव द्वारा जौ की कृषि की गई थी और जौ को यव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए, जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, पर नवीनतम खोजों के आधार पर ये माना जाता है कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और अधिकतर एग्जाम्स में मेहरगढ़ ही ऑप्शन में आता है। तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से प्राप्त, अगर ऑप्शन में लहुरा देव आए तो लहुरा देव भी आप आंसर लगा सकते। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? तो सबसे पहले भारत को इंडिया यूनानी वासियों ने कहा था और इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो इंडस शब्द से हुई है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासन काल का वर्णन किया है? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल का वर्णन किया है और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था और इसने अपनी बुक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? तो चीनी यात्री हेनसांग सबसे पहले कपिसा में पहुंचा था, भारत के कपिसा राज्य में पहुंचा था और ये लगभग 1 साल की यात्रा के बाद भारत के राज्य कपिसा पहुंचा था और यह बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था और भारत के जो बौद्ध ग्रंथ है उन्हें एकत्रित करने आया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? तो सबसे पहले भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है और ये जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है और इस अभिलेख से हमें हार्वेल और उसकी उपलब्धियां जो जो थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, देवी माता की पूजा संबंधित है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृशक्ति में बिलीव करते थे और देवी माता की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? तो सबसे पहले फाहिया ने भारत यात्रा की थी और फाहिया ने एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? तो शून्य यानी कि जीरो की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे और इन्होंने एक आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की भी रचना की है। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो उस पुस्तक का नाम है पंचतंत्र, जिसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और इस ग्रंथ को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा भाग है मित्र लाभ, तीसरा है काकोतुकिकम और चौथा है लब्ध प्रणाश और पांचवा भाग है अपरीक्षित कारक। और जो पंचतंत्र ग्रंथ के जो रचयिता है वो पंडित विष्णु शर्मा है, पंडित विष्णु शर्मा।
अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मैटिक क्या है? देखिए, जो सिक्कों व धातुओं का जो अध्ययन होता है उसे न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, और इसे न्यूमिस्मैटिक और मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश की रचना किसने की? तो हितोपदेश की रचना नारायण पंडित जी ने की थी, और नारायण पंडित जी बंगाल के मांडलिक राजा धवल चंद्र उनके राजकवि थे ये। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि जी ने की थी। नेक्स्ट है, स्वप्नवास वत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास वत्ता के लेखक भास हैं, और ये संस्कृत साहित्य के एक प्रसिद्ध नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, और ये बिहार के पटना में था, और इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो कुमार गुप्त फर्स्ट को जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की थी? तो प्रियदर्शिका की जो रचना है वो हर्षवर्धन ने की थी, और इस ग्रंथ में राजा उदयन और राजकुमारी प्रियदर्शिका की कहानी लिखी हुई है, और इस ग्रंथ की जो रचना है हर्षवर्धन ने की। अगला क्वेश्चन है, नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किस शासक ने की थी? तो नागनंदा नामक संस्कृत नाटक की जो रचना है वो भी हर्षवर्धन ने की थी। जो हर्षवर्धन था उसने सिर्फ पंजाब को छोड़कर बाकी सारे उत्तरी भारत पर राज किया था। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत का शुभ आरंभ कब हुआ? तो विक्रम संवत का शुभ आरंभ 57 BC में हुआ था। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, और अंकोर वाट के जो मंदिर है उसके निर्माता हैं सूर्य वर्मन सेकंड ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, और अंकोर वाट जो स्थल है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का प्रमुख साधन शिकार करना था, और इस टाइम में जो मानव थे वो क्वार्ट्जाइट पत्थर का उपयोग करते थे, अपने औजार बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट पत्थर का यूज करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो मानव था वो पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करता था, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल और चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रोमैग्नन मनुष्य को माना जाता है, और जो क्रोमैग्नन मनुष्य थे वो होमो सेपियंस जाति के थे, और इनका जो शरीर का स्ट्रक्चर होता था वो हम लोगों से काफी मैच करता था, इसलिए आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रोमैग्नन मनुष्य को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो देवनागरी लिपि का जो पुराना रूप है वो ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाण भट्ट हैं, और कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है जिसके लेखक बाण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभाषित बलि के लेखक कौन है? तो सुभाषित बलि के लेखक मयूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? जो तक्षशिला नगर है सिंधु व झेलम नदी के मध्य स्थित था, और अब ये जो नगर है वो अब पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, और अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, और ये सिकंदर के योग्य सेनापतियों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक ने, जो मौर्य वंश के एक महान राजा थे, और अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ग्रीक लिपि का यूज होता था, और अशोक का जो टाइम पीरियड है वो 269 BC से 232 BC तक था। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला है, भरहूत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। देखिए, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे, पर गुप्त वंश के जो प्रथम महान सम्राट थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इनके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बने थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की जो कला का जन्म है वो गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है?
तो अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं वो मेनली बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जिले में। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार किसने कराया? तो सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार स्कंदगुप्त ने कराया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू।